मोदी कैबिनेट से दो मंत्रियों का इस्तीफा, नजमा हिप्तुल्ला और जीएम सिद्धेश्वरा ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी नजमा हिप्तुल्ला। आज की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, और इस वक्त सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और वो ये है कि दो मंत्रियों ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हिप्तुल्ला ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नजमा हिप्तुल्ला की जगह मुख्तार अब्बास नकवी को नया अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्री जीएम सिद्धेश्वरा ने भी इस्तीफा दिया है। उनकी जगह बाबुल सुप्रियो को ये जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है, और राष्ट्रपति ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। माना जा रहा है कि नजमा हिप्तुल्ला को उनकी उम्र की वजह से हटाया गया है, और हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट का विस्तार किया गया था। हालांकि उस कैबिनेट के विस्तार में इन दो मंत्रियों की जिम्मेदारियां नहीं बदली गई थी, लेकिन अब इन दो मंत्रियों ने अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हिप्तुल्ला ने इस्तीफा दिया है, और नजमा हिप्तुल्ला की जगह मुख्तार अब्बास नकवी को ये जिम्मेदारी अब दी गई है। इसके अलावा जो इस्तीफा दिया गया है वो है जीएम सिद्धेश्वर, उन्होंने इस्तीफा दिया है भारी उद्योग मंत्रालय से, और भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी अब दी गई है बाबुल सुप्रियो। राष्ट्रपति ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है, और माना जा रहा है कि नजमा हिप्तुल्ला को उनकी उम्र की वजह से हटाया गया है। जैसे कि पहले भी खबरें आ रही थी कि कैबिनेट का विस्तार जो केंद्र सरकार करेगी उसके अंदर नजमा हिप्तुल्ला को हटाया जा सकता था, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, 75 साल से ऊपर की उम्र के मंत्रियों को नहीं रखना चाहते हैं केंद्र सरकार कैबिनेट में। और उसके बाद हालांकि विस्तार के अंदर अभी नहीं हटाया गया था उनको, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नजमा हिप्तुल्ला ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। अंकुर, हाल ही में कैबिनेट का विस्तार किया गया था, उसमें हालांकि नहीं इनको हटाया गया, लेकिन अब इस्तीफा दिया गया है। क्या माना जाए कि इस्तीफा इनसे लिया गया है? जैसे कि खबरें भी आ रही थी कि नजमा हिप्तुल्ला के बारे में, तो कि उनको उनकी उम्र के चलते कैबिनेट से हटाया जा सकता है। देखिए ताबिश, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज उम्र है और दूसरी चीज परफॉर्मेंस है। दोनों चीज़ों पर यह तय किया गया है कि इन दोनों मंत्रियों को जाना होगा और कैबिनेट से इस्तीफा देना होगा, और इन्हीं के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि पार्टी के भीतर भी ये सवाल उठ रहा था कि जब 70 साल, जो एक 70 साल से ज़्यादा कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं होगा, तो इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए जिसकी वजह से, हालांकि कलराज मिश्र का नाम भी आता है, लेकिन पहले इन दो मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये भी है कि परफॉर्मेंस एक बड़ी चीज़ है जो मोदी कैबिनेट में हमें अक्सर प्रधानमंत्री इस चीज़ को प्राथमिकता देते रहे हैं कि जो परफॉर्म मंत्री करेगा उसको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको मंत्रिमंडल से बाहर जाना होगा। तो ये कदम इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ, कैबिनेट के विस्तार होने के बाद अब क्यों हटाया गया, सवाल सबसे बड़ा यही है, और ये आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा कि असली कारण क्या है। लेकिन अंकुर, जीएम सिद्धेश्वर ने भी इस्तीफा दिया है, उनकी उम्र की बात अगर करें तो 64 साल के वो हैं, उम्र के लिहाज से तो उस दायरे में वो नहीं आते हैं, तो क्या माना जाए कि परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको हटाया गया? शायद ये एक वजह हो सकती है, वजह और भी बहुत हो सकती है, लेकिन शायद ये एक वजह ये भी हो सकती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ, अभी होने के बाद फिर ये फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है।
जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये फैसला चौंकाने वाला जरूर है। अंकुर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, बहुत शुक्रिया अंकुर इस सब जानकारी के लिए। तो हाल ही में कैबिनेट का विस्तार किया गया था, उसमें भी खबर थी कि नजमा हेपतुल्ला को मंत्री पद से हटाया जा सकता है, लेकिन वहां ये फैसला नहीं लिया गया और अब कुछ दिन बाद इस्तीफा लिया गया है उनसे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके कश्मीर के हालात पर मंथन किया। ये आज की एक और बड़ी खबर रही और इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई मंत्री और आला अधिकारी शामिल हुए। करीब दो घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इसके अलावा एनएसए अजित डोवल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी। पीएम ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जाहिर की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर देश भर के इमाम आज राजनाथ सिंह से मिले, सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। अपने उन लोगों से, तमाम इमामों से, कश्मीर के तमाम कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा किसी तरह से भी वहां अमन कायम होना चाहिए। पीएम मोदी ने अफ्रीका यात्रा के बीच से ही एनएसए अजित डोवल को वापस भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डोवल शामिल हुए थे। कश्मीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेताओं से फोन पर बात की। सभी नेताओं ने कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद जताई है। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में तनाव जारी है। हिंसा में मरने वालों की तादाद 24 पहुंच चुकी है। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए श्रीनगर समेत दक्षिण कश्मीर के चार जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कर्फ्यू बाउंड एरियाज हैं, वहां लोगों को खाने पीने की खुरदनी में भी काफ़ी कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। निसंदेही एक संवेदनशील जो है स्थिति बनी हुई है, हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर बैठक ली है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इसमें 100 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं। घायलों में से कई लोगों पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोने का खतरा मंडरा रहा है। 20 patients are still who we have put on conservative management who might need to be operated upon. All of them have a very grave impact and the prognosis doesn't seem to be all that good. ये देखिए, आप इस गाड़ी में इस खाने को पैक किया जाएगा, फिर कुछ लोग यहाँ से निकल के जो है हॉस्पिटल पहुँचेंगे। कुल मिलाकर इन लोगों की ये कोशिश है कि जो हॉस्पिटल में लोग हैं और जो कर्फ्यू में फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुँच सके। चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है, हालांकि कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा आंशिक तौर पर बहाल की गई है। ट्रेन सेवाएं बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाव वाले इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में अमरनाथ यात्रा बहाल हो चुकी है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विजिटर डायरी मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल में अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया है। जांच कमेटी ने पहली नजर में यह पाया कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। और गौरतलब है कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था। क्या पूर्व सीबीआई डायरेक्टर कोल स्कैम से जुड़ी जांच को लेकर फंस गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोल घोटाले के आरोपियों से मिलने और जांच में दखल देने के मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल ने अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया है। जांच कमेटी ने पहली नजर में यह पाया है कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। उनके जो डिसीशंस थे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में और सीबीआई के केसेस में, उससे ऐसा लगता है कि उनकी मीटिंग्स
से उनके फैसले भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। इस पर आज कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के वकील अटॉर्नी जनरल मेरी बहस सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है। सितंबर 2014 में डीएनए अखबार के खुलासे से हड़कंप मच गया था। खुलासा हुआ था कि विजय डारडा और देवेंद्र डारडा ने कई बार रंजीत सिन्हा से मुलाकात की थी। विजिटर डायरी में अभय उसवाल और अनिल भल्ला का नाम भी था और इनकी मुलाकात के दो दिन बाद डायरी में जिंदल नाम से भी एक एंट्री मिली थी। आपको बता दें कि अभय उसवाल कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के ससुर थे, जिनका देहांत हो चुका है। इन खुलासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था और अब इस पैनल ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे जाहिर तौर पर रंजीत सिन्हा फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई रंजीत सिन्हा अब एक्सपोज हो गए हैं? और अब बात यूपी चुनाव की करते हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उबारने के लिए प्रियंका गांधी एक्टिव रोल में आ गई हैं। प्रियंका गांधी यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद से मिली हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की, जबकि दूसरी तस्वीर में राज बब्बर को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। मतलब साफ है कि कांग्रेस यूपी चुनावों को लेकर काफी गंभीर है और प्रियंका अहम रोल निभाने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है और नए अध्यक्ष होंगे राज बब्बर एमपी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खासे मंथन के बाद आखिरकार यूपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज बब्बर के नाम पर मुहर लगा दी। दिन भर चली बैठकों और मेल मुलाकातों के बाद ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस यूपी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की फ्रेंडली फाइट के मूड में बिल्कुल नहीं है। राज बब्बर की छवि और उनके तेवर हमेशा से एंटी बीजेपी रहे हैं। जो जो हमारी कैंपेन शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे एट एप्रोप्रिएट टाइम कोई न कोई सीएम चेहरा जरूर होगा। जानकार मानते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर मजबूती से लड़ने का मन बना चुकी है। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों के मामले में बेहद पीछे मानी जा रही कांग्रेस का ये मूव बता रहा है कि कांग्रेस यूपी चुनाव को लेकर किस कदर सीरियस है। जाहिर है राज बब्बर को कमान देने के बाद यूपी की सियासी गर्मी और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में चुनावी घमासान दिलचस्प मोड़ पर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 20। तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं और चुनावों की बात कर रहे हैं तो पंजाब के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने से पहले कार्यकर्ताओं का वफादारी टेस्ट कराने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक टिकट के दावेदारों को एक शपथ पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र के मुताबिक दावेदार को घोषणा करनी होगी कि मैं एक शपथ पत्र दे रहा हूं और शपथ ले रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से अगर किसी सीट के लिए मेरा चयन नहीं हुआ तो इस चुनाव में किसी कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है और कांग्रेस के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब ना तो कांग्रेस के पास लीडरशिप रही है और ना कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी है। जब ये दोनों चीजें गायब हो जाती है तो फिर ऐसी चीजें जो है सामने आती हैं कि लोग पार्टी से भाग ना जाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदारों को 15 अगस्त तक तय फॉर्मेट में आवेदन देना है। पंजाब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद से टिकट दावेदारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया गया है। और अब बात मानसून की करते हैं। लगातार बारिश से एमपी समेत कई राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। बहाव इतना तेज है कि ये जानवर तिनके की तरह बह गए। 5 जानवरों में से एक ही अपने बहाव के साथ बहने से बच पाया, बाकी 4 ने खुद को बचाने की कई कोशिशें की लेकिन ये नाकाम रही। बाढ़ की विनाश लीला बताने के लिए मध्य प्रदेश के शाहपुर की ये तस्वीरें काफी हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, सब कुछ पानी पानी है। लोगों की मुश्किल है कि करें तो क्या करें।
मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। भोपाल में बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भोपाल में पूरे सीजन की बारिश पिछले 3-4 दिनों में हो चुकी है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश से सटे गुजरात पर भी इंद्र देवता खासे मेहरबान हैं। बाढ़ में डूबे वलसाड की इस तस्वीर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बर्बादी किस तरह से हुई है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी फैला है। कुछ लोग तो सेल्फी लेकर इस बाढ़ को यादगार बनाने की भी कोशिश करते दिखे। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, हल्की सी बारिश में पानी पानी हो जाती है दिल्ली। ये मैडम ऐसे ही रहता हमेशा, जब भी जरा सी बारिश हुई नहीं की और ये यहाँ पे गंदगी फैल जाती है, जाम लगा रहता, परेशानी होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हम भी उस दिन मैं गिर गई, मेरे पैर में मोच आ गई, नाली में फैल गया यहाँ पे। शाहदरा के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ इस साल की नहीं, हर बारिश में ऐसी ही हालत से वो गुजरते हैं। हल्की सी बारिश हुई नहीं कि चारों ओर पानी भर जाता है। दिल्ली से निवृत्ति मोहन, मंदसौर से मनीष पुरोहित और भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में दरअसल कुछ वक्त पहले एक घोड़े की तस्वीर लगाई गई थी, शक्तिमान घोड़े की तस्वीर, और अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा चौक पर ये मूर्ति लगाई गई थी और अब रातों रात ये मूर्ति हटा भी ली गई है, जिसको लेकर अब विवाद बिखड़ा हो गया। लाखों रुपए खर्च कर पहले प्रतिमा बनवाई गई, फिर अंधविश्वास के फेर में प्रतिमा को हटा दिया। उत्तराखंड की सियासी बयार में एक बार फिर शक्तिमान दौड़ पड़ा है। सोमवार को शक्तिमान की मूर्ति का अनावरण होना था, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन मंगलवार की सुबह होते ही जिस प्लेटफॉर्म पर प्रतिमा लगाई गई थी वो तो था, लेकिन शक्तिमान लापता था। यहाँ के सभी सैनिक प्रदेश की जनता मांग कर रही थी कि यहाँ पर एक प्रदेश स्तर का वार मेमोरियल यहाँ पर बनना चाहिए, आपने वो नहीं बनाया और मात्र राजनीति करने के लिए आपने एक मूर्ति वहां पर लगा दी। और जब एक किसी ज्योतिषी ने आपसे ये कह दिया कि साहब पहले भी आपने इनके इस घोड़े पर राजनीति, बेजवान जान पर राजनीति करने का आपने प्रयास किया, उसका नुकसान आपको 10 विधायक गंवाने पड़े, इस बार अगर आपने ऐसा किया तो पूरी कांग्रेस डूबने वाली है, और आपने रात मूर्ति हटा दी। 14 मार्च को गणेश जोशी पर ही शक्तिमान की टांग तोड़ने का आरोप लगा था। शक्तिमान को कृत्रिम पैर भी लगाए गए, लेकिन कुछ दिन बाद शक्तिमान की मौत हो गई थी। शक्तिमान को सम्मान देने के लिए ही उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। सूत्रों की माने तो प्रतिमा हटाने के फैसले के पीछे सीएम हरीश रावत का अंधविश्वास है। बताया जा रहा है कि कुछ ज्योतिष और दूसरे संतों ने प्रतिमा को सरकार के लिए अशुभ होने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस इस फैसले का पल्ला देहरादून पुलिस पर झाड़ रही है। कल उसका ट्रायल किया गया था, क्योंकि कल काफी हमारे पुलिस के नौजवान जो है पुलिस में शामिल हुए थे, और उसको फिर ठीक करके दोबारा जो है, ये हमारा काम नहीं है, उन्होंने जो मूर्ति दी है पुलिस विभाग को दी है, पुलिस विभाग जहां ठीक समझेगा उस मूर्ति को स्थापित करेगा। देहरादून में शक्तिमान के नाम पर विधानसभा चौक का नाम बदलकर शक्तिमान चौक कर दिया गया था। सियासी फायदे के लिए आनन फानन में प्रतिमा लगाने का फैसला रावत सरकार ने लिया था, लेकिन अंधविश्वास के फेर में अपने ही फैसले को रातों रात सरकार ने बदल दिया। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ब्रिटेन में अब इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, वो भी 26 साल बाद। ट्रेन डाउनिंग स्ट्रीट में एक बार फिर वुमेन पावर दिखेगी। 59 साल की थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। डेविड कैमरन कल अपना इस्तीफा बर्किंगम पैलेस में महारानी को सौंपेंगे, जिसके बाद अब ब्रिटेन के एक नए दौर की शुरुआत होगी। हालांकि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की 2 साल लंबी प्रक्रिया नए पीएम थेरेसा के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्रिटेन में 26 साल बाद इतिहास बदलने को है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नई आयरन लेडी की एंट्री होने जा रही है। नाम है थेरेसा मे। थेरेसा डेविड कैमरन सरकार में गृह मंत्री थी। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक गृह मंत्री रहने वालों में से एक थेरेसा को पीएम उम्मीदवारों में टक्कर दे रही एंड्रिया लिंडसम ने खुद ही इस रेस से बाहर होने का फैसला किया।
थेरेसा बुधवार को यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के फैसले के बाद पीएम पद छोड़ने का ऐलान करने वाले कैमरन की जगह लेंगी। वो ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। थेरेसा से पहले मार्गरेट थैचर 11 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही। अब थेरेसा के सामने एक नया इतिहास लिखने की चुनौती है। थेरेसा ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में बने रहने की समर्थक थी, लेकिन पीएम बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती ईयू से निकलने की 2 साल लंबी मुश्किल प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने की होगी। वो भी तब जबकि यूरोपियन यूनियन के दूसरे सदस्य देश पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ब्रिटेन को आसान शर्तों पर बाहर नहीं जाने देंगे। During this campaign, my case has been based on 3 things. First, the need for strong, proven leadership to steer us through what will be difficult and uncertain economic and political times. The need, of course, to negotiate the best deal for Britain in leaving the EU and to forge a new role for ourselves in the world. 59 साल की थेरेसा की शख्सियत दमदार रही है। थेरेसा का जन्म 1 अक्टूबर 1956 में हुआ और वो ऑक्सफोर्डशायर में पली बड़ी। थेरेसा ने राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में नौकरी की। 1997 में वो पहली बार संसद के लिए चुनी गई। उन्हें मेडिन हेरिट से एमपी चुना गया और 1999 में वो कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी। 2002 में वो पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। 2010 में वो गृह मंत्री बनी। 2013 में ब्रिटेन से रेडिकल क्लरिक अबू क्वातदा को डिपोर्ट से उनका कद बढ़ा। टेररिज्म एक्ट 2000 के इस्तेमाल और पासपोर्ट आवेदनों के निपटारे जैसे कुछ मामलों को लेकर गृह मंत्री के तौर पर थेरेसा विवादों में भी रही। कैमरन का कार्यकाल इस साल 9 सितंबर तक है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो बुधवार को अपना पद छोड़ देंगे। संसद में जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो महारानी को अपना इस्तीफा सौंपने बकिंगम पैलेस जाएंगे। इसी दौरान मीटिंग में वो नई सरकार बनाने के लिए थेरेसा के नाम की सिफारिश भी करेंगे, जिसके बाद थेरेसा को बकिंगम पैलेस से बुलावा भेजा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि थेरेसा की नई कैबिनेट की पहली बैठक 19 जुलाई को हो सकती है। और चीन जिस समंदर पर अपना दावा कर रहा था, उस समंदर पर दावे की कानूनी लड़ाई वो हार गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने साउथ चाइना सी को लेकर चीन को जबरदस्त झटका दिया है। हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का अधिकार नहीं है। फैसले को भापकर आज चीन ने सुनवाई में आने से ही इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि दक्षिणी चीन सागर के पानी पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं फिलीपींस ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सम्माननीय फैसला बताया है। फिलीपींस ने इस फैसले को मील का पत्थर करार दिया है। चीन को एक बड़ा झटका लगा है। साउथ चाइना सी पर हक की लड़ाई चीन हार गया है। द हेग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी पर फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया है। ट्राइब्यूनल ने साफ कहा है कि चीन के पास साउथ चाइना सी के संसाधनों पर दावा करने का कोई हक नहीं है। कम से कम लीगल तौर पर चाइना का जो एक्सपेंशन है साउथ चाइना सी में, उस पर कानूनी तौर पर बाधा लग सकती है। चाइना किस हद तक उसको मानता है या चैलेंज करता है वो तो समय बताएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी रिलेशन होते हैं वो तो जिसकी लाठी उसी की बहस होती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्राइब्यूनल के इस फैसले से चीन और फिलीपींस के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, अमेरिका और जापान के साथ भी चीन के रिश्ते और तनावपूर्ण होंगे। हालांकि फिलीपींस की सरकार ने ट्राइब्यूनल के फैसले को मील का पत्थर करार दिया।